कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुकुम चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर के लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दिया, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी कि जैसे ही उसके मायके में थी। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं भी अकेले नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसी तरह आप मुझे बस सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।